हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एसएसडी सामने अपने खड़ी है 2023 BS6 फेसलिफ्ट दमदार माइक्रो एसयूवी। आज की वीडियो में इसी को कवर करेंगे। नहीं है भाई बजट 25 लाख टाटा हैरियर का, तो अब सपने आपके सारे पूरे होंगे। सामने अपने बेस वेरिएंट है, वेरिएंट की बात करें प्योर नाम से आता है, बिल्कुल बेस मॉडल है। जिसकी कीमत की बात करें एक्सोरूम कीमत है 5,99,000 रुपये। ऑन रोड की बात करें सब कुछ मिला के 6,90,000 रुपये मात्र आपको देने पड़ेंगे इस वेरिएंट के लिए। और बात आ जाती है सेफ्टी की, तो 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, बिल्कुल ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार हासिल कर रखे हैं। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी की की से। की बात करें कुछ इस तरह की ऑफर की जाती है। पीछे अपना टाटा का लोगो मिलता है, कोई भी आपको बटन नहीं मिलता। की में देखते हैं बेसिक सी नॉर्मल सी की आपको दो दो की ऑफर की जाती है। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी के सामने से। सामने देखते हैं मोस्कुलर लुक के साथ आती है। यहाँ पर ऊपर की साइड जब नजर जाती है ना आपकी, तो यहाँ पे पीला वाला बल्ब दे रखा। अपर वेरिएंट में यहाँ पे आपको LED DRLs ऑफर की जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश का यूज मिल जाता है क्रोम की जगह। एंड थोड़ी सी नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही बल्ब दे रखा है, जो कि अपना लो बीम हाई बीम का यही काम करता है, अपना नॉर्मल हेलोजन ही सेक्शन है। बड़ा सा आपको यूनिट दे रखा है। एंड नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता, इस तरह से मैट ब्लैक फिनिश दे रखा है। हाउसिंग मिलती है, ऑटोमार्केट आप करा सकते हैं। आ जाते हैं गाड़ी के अपने फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो जी ये है गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। सामने से देखने में मोस्कुलर लगती है। चौड़ाई की बात करें 1742 mm मिल जाती है। स्टार्ट कर लेते हैं लोगों से, यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। पूरी ग्रिल पे नजर जाती है, ब्लैक आपको ग्लोसी फिनिशिंग में ग्रिल ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको 6 से दे रखे हैं हॉर्न की प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह होगी। साथ ही आपकी नजर जाती है ऑल ब्लैक रेडिएटर पे, तो यहाँ पे आपको प्लेन वाला शेप मिल जाता है, एरोप्लेन वाला अपना फ्रंट प्रोफाइल इस तरह से मिल जाती है। इंजन की बात करें 1200 cc का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि अपनी पावर प्रोड्यूस करता है 84 BHP 115 Nm का टॉर्क। टायर साइज की बात करें, ये कुछ आपको रॉयल्स रॉयस वाले स्टील लिम ऑफर किए जाते हैं, ब्लैक वाले। यहाँ पे अपना छोटा सा टाटा का लोगो मिलता है। ये देख रहे हैं फ्रंट में अपने वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलते हैं। टायर साइज की बात करें 185/70R 15 इंच की कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाती है, पूरी 15 इंच की फ्रंट में डिस्क ब्रेक हो गए इस तरह से है। ORBMs की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश ORBM ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे अपनों को टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छी बात है। पिलर पे नजर जाती है, ए पिलर अपना बॉडी कलर मिल जाता है। अच्छा पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे जब नजर जाती है आपको ब्लैक अपने पिलर मिल जाते हैं, बी पिलर। डोर हैंडल की बात करें, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश अपने डोर हैंडल ऑफर किए जाते हैं इस तरह से है। कंप्लीट साइड प्रोफाइल की बात करें, टोटल लेंथ की बात करते हैं, आपको मिल जाती है कितनी 3827 mm। साथ ही साथ नजर जाती है गाड़ी की हाइट पे, हाइट की बात करें 1625 mm मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें अच्छा मिल जाता है, कितना 2445 mm का। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें 187 mm का मिल जाता है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो जी कुछ इस तरह की गाड़ी की साइड प्रोफाइल हो जाती है। अब गाड़ी के बैक साइड में चलेंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ। उससे पहले तो आपको रियर साइड में ड्रम ब्रेक ही ऑफर किए जाते हैं। वेरियंट की बात करें एक बार फिर से बता देता हूँ, अपने पास जो वेरियंट है टाटा पंच प्योर नाम से आता है, बेस मॉडल है बिल्कुल। एंड ये है कुछ गाड़ी की बैक प्रोफाइल, इस तरह से नजर आती है पीछे से देखने में। आ जाते हैं बिल्कुल सेंटर की तरफ, बहुत बढ़िया मोस्कुलर चौड़ाई मिल जाती है। पीछे भी कितनी 1742 mm मिल जाती है, इस तरह से खतरनाक सी लगती है बैक साइड से देखने में। यहाँ पे आपको सबसे पहले पंच की बैजिंग मिल जाती है क्रोम के साथ, अपनी अच्छी लगती है जब देखते हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे अपना सिंगल हॉर्न राइनो मिल जाता है, प्यारा सा ही पीछे बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर हाइट स्टॉप माउंट लैंप हो गया, कोई भी स्पॉइलर नहीं है। यहाँ पे स्टिकर हो गया अपना, बायफोर डिफोगर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, यहाँ पे अपने एयर का सिस्टम मिल जाता है और की चीज़ है। एंड बात करते हैं ना जब टेल लैंप की, ये है कुछ गाड़ी का टेल लैंप। यहाँ पे हेलोजन का ही सेक्शन मिलता है, रिवर्स लाइट इंडिकेटर इस तरह से आपको यहीं पे दे रखा है। यहाँ पर भी एरोप्लेन आपको दिखाई देता है अपने टेल लैंप में। बात करें बूट स्पेस की, तो जी कुछ इस तरह का आपको बूट स्पेस नज़ारे मिल जाते हैं। यहाँ पे पार्सल ट्रे हो गई। स्पेयर बेल्ट टायर की बात करें तो कहाँ गया, उसको ही देख लेते हैं। बूट स्पेस की बात करें, यहाँ आपको मिल जाता है 366 लीटर का बूट स्पेस, अच्छा मिल जाता है, कहाँ गया। एंड यहाँ से इसको उठा लेते हैं एक बार, ये रहा अपना स्पेयर बेल्ट टायर, आपको ऑफर किया जाता है सेम प्रोफाइल के साथ है, स्टील लिम ही ऑफर किया जाता है इस तरह से है। कोई भी आपको लैंप नहीं है, पर आपको 1-1 किलो के 2 हुक मिल जाते हैं 1-1 kg के अंदर की साइड, इस तरह से है गाड़ी का अंदर के। आपको जब बूट को देखते हैं बहुत बढ़िया। साथ ही जी बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है बेस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये है कुछ अपना डोर ट्रिम, डोर ट्रिम की बात करें पूरा आपको डुअल टोन में मिलता है।
यहाँ पे देखते हैं तो व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है। यहाँ पे अपने फ्रंट के जो पावर विंडो दोनों यहीं पे दे रखे हैं, ये अपना डोर हैंडल। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, आपको हाउसिंग ही मिलती है ट्विटर की। यहाँ पे अपना बोतल स्पेस, यहाँ पे अपनी छतरी का स्पेस दे रखा है। यहाँ पे अपना स्पीकर की, यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, हाउसिंग ही मिलती है, पर प्लेसमेंट आपको मिल जा रही है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, अपने अंदाज में कुछ इस तरह आपको ऑफर की जाती है, अच्छी मिल जाती है सीट अपनी फैब्रिक में। हेडरेस्ट की बात करें तो बिल्कुल अपने जो हेडरेस्ट है ये अपने एडजस्टेबल मिलते हैं रियर साइड के। रियर साइड में आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में और देख लेते हैं इस वाले मॉडल में क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। बैठ लेते हैं, दरवाजे को अपना करते हैं यहाँ से बंद, सीट को और करने, हाँ बहुत बढ़िया। ये है अंदर के नजारे, अंदर की बात करें ना तो देखो भाई जो टेक्चर है ना भाई, तो अब देख रहे हो बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक सेम टेक्सचर आपको मिल जा रहा है। अपनी ओपन कर लें यहाँ से भाई, हाँ सेम टेक्सचर आपको मिलता है। ये वाली जो प्रीमियम से चीज मिलती है ना व्हाइट कलर में, आपको बेस से लेके टॉप तक यही थिंकिंग मिल जाती है व्हाइट वाली, ठीक है। हार्डी टेक्सचर अपना टॉप वेरियंट में भी जाते हैं, वहां पर भी आपको यही हार्डी मिलता है, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं स्टेयरिंग के ऊपर, स्टेयरिंग की बात करें तो ये है कुछ स्टेयरिंग, कोई भी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल बेसिक से स्टेयरिंग ऑफर किया जाता है। सबसे पहले अपना टाटा का लोगो, हॉर्न की प्लेसमेंट, दो ही चीजें हैं। और अपना एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर लीवर दे रखा है, देखो बहुत बढ़िया, नीचे ऊपर टिल्ट मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। बात कर लेते हैं सामने की क्लस्टर की, है ना, इसके लिए लगानी पड़ेगी की, ये है कुछ की। यहाँ पर इसको बंदूक को लगाते हैं अपनी, करते हैं स्टार्ट, बहुत बढ़िया। ये है कुछ सामने का क्लस्टर, देख रहे हो इस तरह से सुई जाती है, पूरा स्पोर्टी करेक्टर है। करें अनबॉक्सिंग यहाँ से इसको, ये बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये है कुछ सामने के नजारे, ये अपना आरपीएम मीटर हो गया, यहाँ पे हो गया अपनी बड़ी सी, आपको एमआईडी मिलती है बेस से लेके टॉप तक, इसी तरह की थिंकिंग बिल्कुल सेम आपको यही क्लस्टर मिलता है। ये अपना हो गया, इधर देखते हैं स्पीडोमीटर, मैक्सिमम स्पीड की बात करें 220 की मिल जा रही है आपको। सारी जो रेंज वगैरह किलोमीटर है ना जो भी मिलते हैं ना आपको, मोड वगैरह सब आपको यहीं पे शो करेगा। ये अपना मोड का दे रखा है, यहाँ से आपकी जो स्टिक है ना यहाँ से कर सकते हैं एडजस्ट, बहुत बढ़िया। ये है कुछ सामने के नजारे, ये अपने हो गए वाइपर कंट्रोल, ये हो गए अपने लाइट के कंट्रोल की मैंने दिखा दी। यहाँ पे मिलता है जो लीवर है, ये अपने मोड गए, देखो अभी इको मोड में है, सिटी मोड, दो मोड ऑफर किए जाते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये अपने एसी का वेंट हो गया यहाँ पे इस तरह से, पियानो ब्लैक फिनिश में, और क्या चीज है इस तरह से। आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, ठीक है। हाउसिंग आपको मिलती है, नीचे भी आपको हाउसिंग दे रखी है, वहां पे भी आपको हाउसिंग ही आपको मिल जा रही है। ये अपना हो गया सेंटर की बात करें तो ये अपने एसी के दो दो कंट्रोल हो गए, लाइट टुक टुक का ऑप्शन। यहाँ पे आपको कोई भी डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलती है अपनी, इसी तरह से मिल जा रहा है। और नीचे आते हैं तो ये अपने हो गए भाई, यहाँ पे कर सकते हैं एसी वगैरह का जो कंट्रोल है ना, इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं, ऑफ कर लो अभी भाई, देखो कर लेंगे थोड़ा सा, चलो ऑफ ही रहने दो, ये हो चुकी है ऑफ। यहाँ पे अपने को फोन रखने के लिए स्पेस, 5-speed गियरबॉक्स का ट्रांसमिशन मैनुअल है अपना, इस तरह से 5 gear आते हैं गाड़ी के साथ। और क्या है यहाँ पे स्पेस मिल जा रहा है, ये अच्छी बात है। 12 volt का चार्जिंग सॉकेट, 2 का फोल्डर, ये अपना हैंड ब्रेक हो गया। ये है कुछ सामने के नजारे, ग्लव बॉक्स रह गया ना, ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये है कुछ अपना ग्लव बॉक्स। अंदर की बात करें दो दो पॉकेट मिल जाती है, अंदर तक आपको स्पेस मिल जाता है, मोटी मोटी किताबें आ जाएंगी ज्ञान की, बहुत बढ़िया। बात करें ड्राइवर साइड तो कोई भी आपको नहीं मिलता टिकट होल्डर में, ये अपना हेलोजन में लैंप हो गया, कॉलिंग का माइक। आईआरबीएम की बात करें मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से, क्वार्टर साइड मिरर नहीं मिलता, एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, इस तरह से है पूरा अपना रिव्यू। इंटीरियर कम्प्लीट हो जा रहा है तो पूरा आपको प्रीमियम तो फील होता है। अब चल लेते हैं गाड़ी अपने रियर साइड में और देख लेते हैं क्या क्या ऑफर किया जाता है रियर साइड में, यहाँ से करते हैं ओपन। तो जी रियर साइड को और देख लेते हैं, कितना लेग रूम, नी रूम, हेड रूम आपको ऑफर किया जाता है टाटा पंच के साथ। यहाँ पे अपना डोर हैंडल है ऊपर की साइड, ये है कुछ पीछे का डोर ट्रिम, आपको पीछे भी ऐसे ही मिल जा रहा है कॉम्बिनेशन व्हाइट का। यहाँ पे देखते हैं है अपना हार्डी टेक्सचर, यहाँ पे अपनों को बोतल स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस मिल जाता है, पावर विंडो मिस करेंगे रियर साइड में नहीं मिलती। इस तरह से आपको रोलर दे रखा अपना, यहीं से रोल करनी पड़ेगी, अपना ट्विटर, अपना डोर हैंडल का प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको पीछे भी स्पीकर मिल जाता है, 4x4 का सेटअप मिलता है, पर आपको हाउसिंग ही मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें बढ़िया मिल जाती है, जैसे मैं बताता हूँ हेडरेस्ट मैंने बता दिए हैं जो अपने आगे के एडजस्टेबल हैं। पीछे की बात करें तो ये अपने बिल्कुल फिक्स ही आपको ऑफर किए जाते हैं, ये अपनी सीट बेल्ट हो गई,
अंदर की बात करें स्पेस की देख लेते हैं भाई, मैंने पूरी पीछे कर रखी है, जो अपनी ड्राइवर साइड होती है ना पीछे ही करके रिव्यू करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिर भी स्पेस अच्छा बच जाता है आपको। यहाँ पर देखते हैं कोई भी एसी का वेंट्स नहीं मिलता, अपना इस एंगल से देखो जो अपनी ड्राइवर साइड होती है जितनी पीछे होती है ना उतनी मैंने पीछे कर रखी है, इस तरह का आपको स्पेस मिल जाता है, जो भी फीचर्स मिल जाते हैं पीछे मैंने आपको बता दिया है। अब बात आ जाती है गाड़ी के सेफ्टी की, सेफ्टी के नाम में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो जी सेफ्टी की बात करें, ABS, EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट, वार्निंग लाइट, इंजन लाइट, उसी के साथ साथ दो एयरबैग आपको ऑफर किए जाते हैं। 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, पूरे 5-स्टार NCAP में आपको मिल जाते हैं, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक सेफिस्ट कार ढूंढ रहे हैं इसको जरूर देखना, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।